तो जी राम राम नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा, और जी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भाई अभी मैं आ रहा हूँ हिसार, और सबसे पहले भी सभी को मेरी तरफ से राम राम। और अभी हमारे बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इनकी मोहित लटवाल जी के साथ में, और KD के साथ में, और भी अदर आर्टिस्ट हैं, इनकी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, तो बहुत ही जल्द आएंगे वो। और बोर को नहीं जाओ आप, ऑडियंस का सवाल है मेरा ना है। नहीं, क्योंकि हर बार ये सोचते हैं कि कुछ नया करें, सो उसके लिए मेहनत करनी तो बनती है भाई। और हम भी चाहते हैं कि पब्लिक हमें तभी तो सपोर्ट करेगी ना, क्योंकि हम कुछ अच्छा करेंगे तभी सपोर्ट करेगी। अगर इसमें हम ये सोचने लगे कि नहीं, चार बार टेक हो गया, हम नहीं टेक करेंगे, थक गए हैं, तो फिर वही बात होती ना कि काम ख़त्म। जी, मतलब अच्छा देना पड़ता है। बिल्कुल, जो हमारा बेस्ट हो उसे बेस्ट। मैडम क्या कहना चाहोगे लोकेशन के बारे में? भाई जब भी मैं यहाँ लोकेशन पे आती हूँ, सबसे पहले जो कहते हैं कि ओनर हैं यहाँ के, रिंकू दलाल जी, इनका नेचर इतना अच्छा है कि कभी फील ही नहीं होता कि हम कहीं अदर जगह आए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि अपने घर में ही हैं। और शूट पे इनकी बहुत मज़ा आता है, हमारी वीडियो बनाते हैं, हमें फोटो सेंड करते हैं, इनकी अच्छा लगता है। और लोकेशन बहुत ही प्यारी है, और सबसे बेस्ट बात यह है कि लॉकडाउन में ओपन करी थी सब तबत्ती फायदा उठा गए। देख लो अंदर अंदर की बातें कैमरा के पीछे। हमें चाय पिला देते हैं और कहते हैं मैडम जी लोकेशन पे, मका जी पक्का, फिर यही आते हैं। यही पे आना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैडम आप क्या कहना चाहोगे? और मैडम ये तो गलत बात है। नहीं, टाइम पास की बात नहीं। अभी हमने 3 सॉन्ग किए हैं, और जो अभी रिलीज हुए हैं बहुत ही जल्द रिलीज होंगे, और उसके बाद भी एक हमारा बहुत ही अच्छा सॉन्ग आने वाला है जिसका टाइटल है मटको, और जिसको गाया है मासूम शर्मा ने, लिखा है बिट्टू सोरकी ने, म्यूजिक ZR ने दिया है। और अभी इनकी शूट भी नहीं हुआ है, तो बहुत ही जल्द उसका शूट होगा। बहुत ही अच्छा सॉन्ग। मैडम शूटिंग पे मैं जरूर बुलाएं, हमारी ऑडियंस बड़ी बेताब रहती है आपके शूट देखने के लिए। हाँ बिल्कुल, जब हम मटको का शूट करेंगे तो आपको पक्का बुलाएंगे, और इंटरव्यू भी होगा। अपनी सेटिंग बन गई है, अपनी सेटिंग बन गई है शूट की। तो भाई प्रमोशन का काम आपने पता है कि अपना ही चैनल कर है, बाकी कॉपी करनी भी एक दो आगे हैं, तो ध्यान रख ली भाई, मेरी दाल रोटी से चलने के उनका देखना आ जाओ, फिर अपना सिस्टम नहीं चलेगा। तो किस आर्टिस्ट के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है काम करके? मुझे मेरे को तो सभी के साथ अच्छा लगता है। मैं तो सारे कहूँ जी गोली ना दो। एक नहीं नहीं, पता क्या होता है मेरे हिसाब से ना भाई, कि फील्ड में जितनी भी लड़की होंगी, हर लड़की ये चाहती है कि मैं एक स्टार के साथ काम करूं, हर लड़की यही चाहती है कि मैं स्टार के साथ काम करूं। लेकिन मैं एक लड़की ऐसी हूँ फील्ड में, मैं ये कहती हूं कि जो फ्रेशर बच्चा होता ना उसको लेके आओ, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी एग्री नहीं होता है, कोई भी नहीं चाहता कि मैं कदम उठाऊं। उनको सबको डर लगता है कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम काम कर रहा है, शायद होगा फ्रेशर होगा, भाई इसका तो कितनी बार रीटेक होंगे, कितनी बार पता नहीं एक्टिंग कैसी होगी, ये होगा। मुझे लगता है कि जितने बच्चों के साथ, फ्रेशरों के साथ मैंने काम किया है, किसी ने नहीं किया है। मैं कभी ये नहीं चाहती हूँ कि मैं स्टार के साथ काम करूँ, नहीं, स्टार के साथ तो दुनिया चाहे, हम तो उन चाहें भाई, जो नहीं कुछ भी ना तो वो कुछ बने। पब्लिक भाई बहुत बड़ी बात कह दी यार, याद ऑडियंस के दिल बुला गई, क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत काफ़ी सी है कि जो चाह है, अगर नया का सपोर्ट हो तो भाई मैम के साथ अगर कोई गाना कराना चाहे तो जरूर मैम तैयार हैं, तैयार होने मैम अगर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम, आइए। मैं तो नू चाहूँ कि भाई सही कहते ना कि असल तो यहाँ पता चलता है एक्ट का, खुद से भी करना है और अगले से भी करवाना है। अपने लिए आ जाओ भाई, पेमेंट भी कम हो जाओगी। मैडम कर दोगे पेमेंट कम थोड़ी सी? पेमेंट ये भाई देखो गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा मैडम मैं भी कर लेता है गाना, पेमेंट का भी बोल नहीं, पेमेंट का भी मैनेज हो जाता है, ऐसी बात नहीं होती कि हमें ये थोड़ी होता कि हर किसी से ये बोले कि इतनी पेमेंट दो, नहीं भाई देखा जाता है कि भाई हाँ कोऑपरेट करने की बात होती है वो तो सबको। तो मैडम एंड में क्या कहना चाहोगे टाइम के बाद थोड़ा सा फाउंडेशन? भाई मैं ये कहना चाहूँगी जो हमारे गाने आओगे, सबसे पहला उन शेयर करियो, अच्छे अच्छे से कमेंट करा करो, बूंदे कमेंट ना करा करो, फिर हमारा जी भी ना करता यार। मैं बोलूंगा फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर दो, फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर दो।